गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल को स्वामी स्टडी पॉइंट। हम लोग अपने चैनल पर अब सिंथेसिस पढ़ रहे थे। इससे पहले बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, नए पैसिव वॉइस के नरेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसलेशन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सिंटैक्स है, बहुत वीडियो हैं। आप जाकर के अपने जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। आज हम लोग सिंथेसिस का तीसरे वीडियो की बात करते हैं। सिंथेसिस में दो वीडियो पहले ही पढ़ चुके हैं, आज हम तीसरे वीडियो की बात करेंगे। और तीसरा जो रूल है आपका, यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, क्लियर। हम लोग बात करते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस सब्जेक्ट को कहते हैं, ये एक सब्जेक्ट होता है जो वाक्य में स्वतंत्र रहता है, जो वाक्य में स्वतंत्र रहता है, ये इंडिपेंडेंट रहता है वाक्य में। क्यों रहता है? क्योंकि ना तो ये किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है और ना ही ऑब्जेक्ट। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस सब्जेक्ट को कहते हैं जो वाक्य में स्वतंत्र रहता है, वाक्य में स्वतंत्र रहता है। और क्यों? क्योंकि ये किसी ना तो किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है और ना ही किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। एक बात और हम कह देते हैं, इसका प्रयोग पार्टिसिपल के पहले होता है। पार्टिसिपल के पहले होता है। अब हम फिर से क्लियर कर लेते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस सब्जेक्ट को कहा जाता है जो वाक्य में स्वतंत्र होता है, जो वाक्य में स्वतंत्र होता है। क्यों स्वतंत्र होता है? क्योंकि ना तो ये किसी फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट होता है और ना ही ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ इसको आप फाइनाइट वर्ब कह लीजिएगा, ठीक है। ना ये किसी फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट होता है और ना ही ऑब्जेक्ट होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये पार्टिसिपल के पहले प्रयोग किया जाता है, क्लियर। दूसरी बात नोट करके लिख लेते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का एब्सोल्यूट का प्रयोग तब करते हैं जब वाक्यों का सब्जेक्ट जब वाक्यों का सब्जेक्ट एक ना होकर अलग अलग होता है। तो क्लियर हुआ? पहली बात, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस सब्जेक्ट को कहते हैं जो वाक्य में इंडिपेंडेंट रहता है, फ्री रहता है। क्यों? क्योंकि ना तो ये किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है और ना ही किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट बात ये है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो सब्जेक्ट होता है उसका प्रयोग पार्टिसिपल के पहले किया जाता है। आगे बात करें तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग तब किया जाता है जब दो वाक्य हों या दो से अधिक वाक्य हों, वैसे दो वाक्य ही होंगे, जब दो वाक्य हों और दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक ना हो, भिन्न भिन्न हो, दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग हो, तभी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग किया जाता है। नोट कर लें, फिर आगे बात करते हैं।
इसके पहले हमने देखा नाम नेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग तब करते हैं जब प्रत्येक वाक का सब्जेक्ट एक ना होकर, एक ही ना होकर अलग अलग होता है। अगली बात हम लोग देख लेते हैं कि उन वाक्यों की वर्ब से यह मालूम पड़ता है कि जो कार्य एक दूसरे के बाद हो रहे हैं उनमें कैजुअल रिलेशन होता है, तो जो कार्य उन वर्ब से, उन वाक्यों के वर्ब से मालूम पड़ता है कि जो कार्य एक दूसरे के बाद हो रहे हैं उन कार्यों में कैजुअल रिलेशन होता है। कैजुअल रिलेशन से मतलब है कि उनके उन वाक्यों में कारण परिणाम का संबंध होता है। कैजुअल रिलेशन मतलब कारण परिणाम का संबंध होता है। क्लियर, ये बात हो गई। इसके बाद देखें तो अब बात देखें सिंथेसिस करते समय जो कार्य पहले समाप्त होता है उसके सब्जेक्ट को पार्टिसिपल से पहले रखते हैं। अब एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। द सन राइजेस, द सन रोज, रोज का मां, द फॉग डिसअपीयर। क्लियर, तो ये जो पहले सूरज निकला उसके बाद जो कोहरा था वो गायब हो गया, इनके बीच में देखा जाए तो कैजुअल रिलेशन है। कारण परिणाम का कारण कोहरे के गायब होने का कारण है सूरज का निकलना। इसको हम क्या करेंगे, पार्टिसिपल में इसके सब्जेक्ट को पार्टिसिपल से पहले कर देंगे तो जो हो जाएगा द सन हैविंग राइजेन कामा द फॉग डिसअपीयर। क्लियर, जब पास्ट टेंस का बोध हो तो वहां पर हैविंग का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे हैविंग के साथ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और आप लोग याद होगा आप लोगों का कि हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग परफेक्ट पार्टिसिपल में होता है। किसमें होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल में होता है। नोट कर ले फिर आगे देखते हैं। इट वॉज कोल्ड फुल स्टॉप, नो वन कुड गो आउट। इट वॉज कोल्ड, नो वन कुड गो आउट। यहां वॉज वर्ब बी का बोध कराता है तो यह हो जाएगा इट बी कोल्ड कामा नो वन कुड गो आउट। अगर यही सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता तो यहाँ हैविंग बीन का प्रयोग किया जाता। किसका प्रयोग किया जाता, हैविंग बीन का। जैसे द वर्क वॉज डन, वॉज
डन। आप जानते हैं जब विजय मार के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और ऐसा होना किसमें होता है, पैसिव वॉइस में होता है। तो द वर्ब वाज डन कामा ऑल वेंट होम, ऑल वेंट होम, ये हो जाएगा। ये पैसिव वॉइस का बोध करा रहा है तो हैविंग बीन का प्रयोग हो जाएगा। तो हो जाएगा द वर्ब हैविंग बीन बीन डन कामा ऑल वेंट होम। अब कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, नाम नेटिव एब्सोल्यूट, ये जो द वर्ब है यही नाम नेटिव एब्सोल्यूट है, क्योंकि ना ये किसी वर्ब का, इनमें से किसी वर्ब का सब्जेक्ट है और ना ही ऑब्जेक्ट है। इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग तब किया गया जब इसका सब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट अलग अलग है। इन दोनों सेंटेंसेस के वर्ब जो है वो डन है और उसमें वेंट है, ये दर्शाते हैं कि इन दोनों के बीच एक कैजुअल रिलेशन है, एक कारण परिणाम का संबंध है। लोग इसलिए घर चले गए क्योंकि कार्य हो चुका था, तो इसीलिए यहाँ पर नाम नेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग किया गया है। तो ये आज एक चैप्टर ये फिनिश हुआ। एक एक कंटेंट मैं डेली देता रहूँगा, आप लोग पूरा वीडियो देखा करें और हो सके अगर आपको लगता है तो आप नोट्स भी बनाते चलें। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।